सो ही गाइस, अगर आप भी मेरे चैनल सही वेक्टर आर्ट डिजाइन की कोर्स या फिर ट्यूटोरियल जो मैं लेके आया हूँ वो अगर आप सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप किसी और से भी सीख रहे हैं तो भी सही बात है, ठीक है। अगर आप सीख रहे हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ वेक्टर आर्ट की टिप्स एंड ट्रिक, जिसका आप इस्तेमाल करके आसानी के साथ और भी अच्छे लेवल की वेक्टर डिजाइनिंग कर सकते हैं और बिल्कुल आसान डिजाइन भी उसके अंदर प्रोफेशनल वाले लगेंगे। सो आज की वीडियो के अंदर आपको वेक्टर आर्ट की 3, 4 या 5, 6 टिप दे दूंगा, जिससे आप अपने अपने वेक्टर आर्ट को थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप अपने जो वेक्टर आर्ट बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाना स्टार्ट करेंगे, जैसे लाइक आपको किस तरीके से माउस पकड़ना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और कंप्यूटर स्क्रीन पर भी आपको सिखाऊंगा, थोड़ा सा फेस टू फेस भी सिखाऊंगा। वीडियो का एंड तक देखते रहना ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अवेलेबल होती रहती हैं, यानी ग्राफिक डिजाइनिंग की वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। और बाय द वे, चैनल पे नए हो तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लेना, और साथ में नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि कल की जो हमारी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना और चीज़ भी बता देता हूँ। ये जो मैं आपको टिप बताने वाला हूँ ये पहले किसी ने भी यूट्यूब चैनल पर अपने अपलोड नहीं करी हुई, और उर्दू में जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उस तरीके से आप देख सकते हैं, कहीं पे भी आपको मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी। आइए अब बताते हैं आपको टिप, फर्स्ट टिप क्या है। फर्स्ट टिप है, ज़्यादा आप जूम करके ना बनाएं। अगर आप पेन टूल से बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको बहुत सारी वीडियो अभी अपलोड करी थी वेक्टर आर्ट की, उसके ना सबके ना पेन टूल्स की मदद से ही आपको वेक्टर आर्ट बनाना सिखाया है। अगर आप जूम करके ज़्यादा बनाते ना तो वो भी ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा जूम आउट करके बनाएं। मिसाल के तौर पर आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखा देते हैं कि क्या होता है। जैसे लाइक आपने अब यहाँ पर कुछ बनाना है पेन टूल की मदद से, ठीक है। यहाँ पर आप बना लेंगे, ठीक है। अब ये आपने बना लिया, अब आप इसके अंदर कलर दे देते हैं सबसे पहले, तो ठीक है। कलर हमने ये दे दिया, अभी तो ऐसे देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ले लिया हमने पेन टूल, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और कर देते हैं इसके अंदर, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा लाइक जैसे मैंने पहले भी आपके साथ जो शेयर करी है वीडियो, उसके अंदर भी ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी, बट अब मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, और मैंने इसको कर्व करा तो ये देखें थोड़ा सा नीचे जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसी को कंट्रोल माइनस प्लस कंट्रोल माइनस करके बनाएंगे तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी। देखें यहाँ पर रखा आपने और इसको बिल्कुल आसानी के साथ आपने इसे कर्व कर दिया। आज ये जो हमारी पहली टिप थी ये थी कंट्रोल माइनस और कंट्रोल प्लस, यानी कि जूम इन और जूम आउट, ठीक है। पहली टिप तो आपको पता चल गई। और गाइस, जो दूसरी टिप है वो है हमारी कि आप किस तरीके से अपना डिज़ाइन बनाएंगे और उसको क्रिएट करने के बाद किस तरीके से थोड़ा सा अच्छा लेवल पे लेके जा सकते हैं, तो आइए आपको बताते हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है वेक्टर आर्ट और नहीं सीखा तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। ज्यादा वीडियो नहीं है, कुछ 6-7 वीडियो ही होंगी, अभी ये डाल दूंगा तो 6-7 हो ही जाएंगी मेरे ख्याल से। यहाँ पर आप दूसरी डिब भी देख लेते हैं, और दूसरी डिब आपके पास कि आप पेन टूल से अगर बना रहे हैं किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। गाइस लाइक मैं यहाँ पर कोई इमेज अगर ले लूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ एक, ये भी मैंने सारी बनाई हुई वीडियो, लेकिन आपको एक इमेज लेकर दे देता हूँ। गाइस जैसे मैंने ये वाली इमेज ली है तो यहाँ पर मैं पेन टूल की मदद से बनाऊंगा, और यहाँ पर बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि यहाँ पर कर्व वर्व भी करना होता है इसके। मैं आपको एक सॉल्यूशन देता हूँ इसका, एक आसान मेथड आपको बता देता हूँ। आप इसके अलावा दो चीज़ें और हैं उससे भी बना सकते हैं आप, वो है यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रश टूल और यहाँ पर है पेंसिल टूल। ये दोनों वेक्टर आर्ट के अंदर बहुत काम आने वाली है, जैसे हम जो बड़े बड़े ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आएंगे उसके अंदर इन दोनों का भी इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये नहीं सीखा तो सीख लेगा, मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है एडोब इलस्ट्रेटर का ट्यूटोरियल, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को भी सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल आपको मैं अगली टिप बताता हूँ, ठीक है। गाइस अगली टिप जो है वो है आपकी दाढ़ी। जैसे आप वेक्टर आर्ट के अंदर दाढ़ी बनाना चाह रहे हैं लेकिन आपको पेन टूल की मदद से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही है और बड़े टाइम के बाद वो बनती है, बिल्कुल आसान प्रोसेस मैंने आपको जैसे भी बताया, पेन टूल सॉरी पेंसिल टूल और ब्रश टूल इन दोनों की भी मदद हम लेने वाले हैं। दाढ़ी बनाने के लिए और मूछें बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, पेंसिल टूल लेना पड़ेगा और उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर सिखाते हैं। गाइस यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया है पेंसिल टूल, और यहाँ पर अगर जैसे मैं ब्लैक कलर इसके अंदर दे देता हूँ ब्लैक कलर भी दे देते हैं, और उसके बाद बिल्कुल आसान प्रोसेस है ये, बिल्कुल पेंसिल की तरह चलेगा, ठीक है। जिस तरीके से आप इसको चलाना चाह रहे हैं उस तरीके से आप इसको चला सकते हैं और उसके अंदर कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर कलर भी दे देते हैं, ये आ गया कलर, और बिल्कुल आसान मेथड है इसका, ठीक है ना। कोई इतना मुश्किल मैं आपको मेथड नहीं बताऊंगा जिससे आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाए। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है ना मेरी, तो उसके अंदर हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे। इसको सीख लेगा, मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है एडोब इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग की, जाके लास्ट में से देख लीजिएगा, ठीक है ना। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी वहीं पर, वहां से जाके आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो है, और वो है कि आप अपना माउस किस तरीके से पकड़ेंगे, ठीक है। माउस की जो ये दो उंगलियां होती है यही हम लोग सिंपल रखते हैं,
लेकिन कोई कोई होता है बहुत नीचे करके रखता है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको ऊपर करके रखना है। किस तरीके से रखना है आइए आपको दिखाते हैं। सो गाइस, आपको माउस किस तरीके से पकड़ना है उसका भी बता देता हूँ आपको। सिंपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक उंगली रखनी है, यहाँ पर उंगली रखनी है। बहुत से लोग होते हैं जो यहाँ पर उंगली रख के बैठे होते हैं, लेकिन आप सबको यहाँ पर रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से रखने के बाद आपको इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। ये जो हथेली आपकी वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को इस तरीके से यूज़ करना है। अब आप सब बोल होंगे कि आप ये चीज़ें क्यों सिखा रहे हैं, टिप्स एंड ट्रिक दें जिसके अंदर हम बता सकें किस तरीके से आप उसको बना सकते हैं। सो पहले आप ये सीख लीजिए, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बहुत सारी वीडियो दे दी है, ठीक है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही बताने वाले थे। सो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आप ये अभी माउस वाली टिप देख के आप हैरान हो गए होंगे कि ये क्या सिखा रहे हैं। सो गाइस, ये भी एक टिप है और ये मैंने अपने पास से बनाई है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको माउस पकड़ना नहीं आता, वेक्टर आर्ट करने चलते हैं और फिर खराब भी हो जाता है, सही है ना। तो इस तरीके से माउस पकड़ के चलाइएगा। सो कल की वीडियो भी आएगी, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लें, जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसको ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक आसानी के साथ पहुंचता जाए। सो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड थैंक यू। और कल की वीडियो में मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।